आप मुझे बताएं, एक मां अपनी औलाद के लिए सब कुछ ला करके देना पसंद करती है, औलाद के लिए हर गम पी करके औलाद को खुशी अता करती है। ए अपने बेटे को चांद कहने वालियों, ए अपने बेटे को बादशाह और राजा कहने वालियों, ए अपने बेटे को मेरा गुलाब और मेरा फूल कहने वालियों, ए अपने बेटे के लबों को चूमने वालियों, ए अपने बेटों के अपनी औलाद की पेशानी को और उनके गलों को बोसा देने वाली मेरी बहनों, मुझे बताओ, अगर जीने के ऊपर तुम्हारे बच्चे को कोई खड़ा कर दे और बच्चा गिरने के करीब हो, अगर सास ने खड़ा किया तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, अगर शौहर ने लापरवाही की तुम उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, तुम अपनी औलाद को अकेले नहीं छोड़ती, मुझे बताओ, अगर तुम्हारी औलाद के बारे में कोई ये कहे कि इसको आग में डाल दे, मेरी बहन बता क्या तू आग में डालेगी? ऐ मेरी बहनों बताओ, जब तुम्हारी ममता इतनी मशहूर है, तुम्हारी मोहब्बत इतनी मशहूर है, अल्लाह हो अकबर, तुम अपनी औलाद के लिए हर गम पीती हो, हर तकलीफ बर्दाश्त करती हो, बताओ क्या तुम अपनी औलाद को मुश्किल में देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को कांटों पर चलता देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को आग में जलता देख सकती हो? एक माँ खुद को जलाकर अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करती है, एक माँ खुद को कांटों पर चलाकर अपनी औलाद को नंगे पैर कांटों पर चलने से बचाती है। मुझे बताओ ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब तुम अपनी औलाद को दुनिया की आग में देखना गवारा नहीं कर सकती, जब तुम अपनी औलाद को कांटों पर चलता देखना गवारा नहीं कर सकती, जब तुम अपनी औलाद को मुसीबत और तकलीफ में दुनिया के अंदर देखना गवारा नहीं कर सकती, तुम अपनी औलाद की बेचैनी पर बेचैन हो जाती हो, अपनी औलाद की बेकरारी पर बेकरार हो जाती हो, मेरी बहनों मुझे बताओ, तुम अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन कैसे बना रही हो? तुम अपनी औलाद को जहन्नम की आग की तरफ कैसे ढकेल रही हो? तुम अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन क्यों कर बना रही हो? आप कहेंगी हमने किस तरीके से अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाया? याद रखे मेरी बहन, एक माँ अपनी औलाद को जन्नती भी बना सकती है, एक माँ अपनी औलाद को जहन्नमी भी बना सकती है, एक माँ अपनी औलाद को नेक और मुत्तकी भी बना सकती है, एक माँ अपनी औलाद को गुनाहगार और आवारा भी बना सकती है। माओं का किरदार औलाद की तरबियत के अंदर कलीदी रोल रखता है, बुनियादी रोल रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, एक माँ की गोद अब औलाद की पहली दरसगाह हुआ करती है। माँ की गोद से बच्चा जो सीखता है वही अखीर दम तक के उसे याद रहता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो, जिसको अल्लाह ने जिम्मेदारी भी दी है, मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनु कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को, अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। गोया के माँ बाप को जिम्मेदारी दी जा रही है, माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ।